हेलो दोस्तों, तो वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग बहुत नीचे से आए पैदल चलकर, और उस सामने पेड़ बड़ा ख़तरनाक था, मैं तो डर ही गया। और नज़ारा तो आप देख सकते हो बहुत सुंदर है। चलो, और मेरे साथ आई है आज स्पीति क्वीन 1, और स्पीति क्वीन 2 है वो छोटी वाली, ये है 1। अभी 3 बोल नहीं पाती, वो भी छोटी है, उसको भी जल्दी जल्दी हम अपने ब्लॉग में लाएंगे। और ये देखो बिच्छू बुट्टी है जो हाथ में लगने से जिसे बहुत ज़्यादा खुजली होती है और मन करता है कि चाकू से निकाल ही दूँ। तो स्पीति क्वीन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। अभी बहुत ऊपर चलने को है, और बट लोकेशन बहुत सुंदर होगी, और उधर पानी की आवाज़ भी होगी। अगर वॉइस में कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अभी थोड़ा सा आगे, और ये पूछे जा रही है जंगली जानवर कहाँ होगे, जंगली जानवर कहाँ होगे। इधर जंगली जानवरों को वो था ना, ये देखो जैसे खुदाई करते ना तो ये जंगली जानवर ही करते। और इस जंगल में भालू होते हैं और लैपर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, बट वो दिन को नहीं आते, रात को निकलते हैं वो। हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हो। इसको शॉर्टकट चाहिए गाइस, अभी हम पहुंच जाए वही बड़ी बात है। और गाइस ये पीने का पानी है, यहाँ से सप्लाई होती है पानी की, हमें यही कई लोकेशन ढूंढना है। बट आप देख सकते हो कितनी प्यारी लोकेशन है, और आवाज़ सुनो पानी की, वाह बहुत रिलैक्स मिल रहा है इधर आके। चलो हम लोकेशन ढूंढते हैं गाइस। मामू कहाँ जा रहे हो? गाइस बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मेरे से इंतजार नहीं हो रहा है। देखो गाइस इन्हें कितनी प्यास लगी है, गिलास तक नहीं लिया। गाइस क्या पानी है, मजा आ गया। अब करते हैं काम गाइस। चलो अरुई तुम भी पियोगे? हाँ पियो पियो। पर रुई की बारी, इसका पहला एक्सपीरियंस रहेगा ऐसा, तो कैसा मजा आया? चलो गाइस लेट हो रहे, बैग उठाता हूँ मैं, चलो अरुई। तो अभी हम लोकेशन ही ढूंढ रहे हैं, देखते हैं लोकेशन कहाँ मिलती है हमें। बच कर आ रही रोही, ये कुंगश है, ये वाली कुंगश है, इसे टच मत होना वरना दोनों को लगेगी हाथ में। अब मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ होगा गाइस, हटो तो आरोही, मुझे जाने दो आगे, पहले मैं देख लेता हूँ। इधर तो रास्ते ही नहीं है गाइस, बट हाँ एक रास्ता नजर आया। बहुत यार ये तो बहुत खतरनाक रास्ता लग रहा है, और डर भी लग रहा है गाइस इधर तो। ओ वाओ, एक नई लोकेशन में पहुंचे गाइस हम, आप देख सकते हो। ओ वाओ नाइस। चलो गाइस तो लोकेशन हमें मिल गई है, तो आज का शूट हम इधर ही करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि जो मामू है वो कितनी मेहनत कर रहा है सिर्फ और सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए। कैसा लग रहा है मामू मेहनत करके? काफी अच्छा लग रहा है, और सुकून भी मिल रहा है क्योंकि हम इतनी प्यारी जगह में हैं, और ये पानी पीने का है, और क्या चाहिए। तो मैं कह रहा सेटअप कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपसे खूब बातें करते हैं। गाइस मुझे एक और पत्ता मिला, बहुत अच्छा, ये देखो क्या मस्त है, इसको भी सजाएंगे हम वीडियो में। आज जो वीडियो में आपको फूल पत्ते दिखते हैं ना वो ऐसे ही नहीं मिल जाते, उसको ढूंढना पड़ता है गाइस।
बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा फनी हरकतें करने हैं गाइस। चलो आरोही। और आप लोगों को मेरा सेटअप कैसा लगा, आई होप अच्छा ही लगा हो। तो ये गैस है मेरी, इसको ऊपर रखेंगे और मैंने घी लाया हुआ, घी लगाएंगे थोड़ा सा। तो गाइस ये है जूड़ी, हमारे उसमें तो जूड़ी बोलते हैं मंडियाली लैंग्वेज में, आपको उसमें पता क्या बोलते हैं। ओ बाबा जूड़ी पर एदा लूड़ी, ये तो लूड़ी कर दी और कपर का। तो ये लगा दिया हमने इसमें तेल, मतलब देसी घी लगाया मतलब इससे। अब डालेंगे इसमें वो वाला बैटर। तो गाइस देखो हमारे चिल्लड़े बन रहे हैं, अब पता नहीं कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, बट फिर भी कोशिश जारी है। देखिए गैस ना जम जाती है बाहर, बहुत मुश्किल होता है गाइस। चिल्ले चिल्ले इसमें लिखा हुआ है, चिल्ले हम लोग बोल रहे हैं, चिल्लड़े हमारे उसमें चिल्लड़े बोलते हैं। और कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ी थोड़ी धूप पड़ रही है, हवा। अब इसको पलटाते हैं। ओह वाओ गाइस, गाइस भूलना पड़ेगा अब दूसरा। एक चिल्लड़ा तो बना बांग का, बट दूसरा देखते अब कैसे बनता है। एक तो ये इसके एक किलर है समझ आओ फैमिली को। हमारे चिल्लड़े चिल्लड़े खाएंगे गाइस देखो। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारे चिल्लड़े बन रहे गाइस। एक तो यार वही इतना डर रही है ना, ऐसे दिख रही इधर देख रही इधर देख रही, ये तो आज मेरे साथ वीडियो बनाने, अदरवाइज तो मैं अकेला आता हूँ इधर। ये तो ये इसका सहारा है, उल्टा ये डरा रही है मुझे। सच में गाइस क्या लगता है आपको कि पहाड़ों में, मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ों में ना हमें कुकिंग करते हुए बाहर मतलब ना बहुत मज़ा आता है, और थोड़ा जो दिमाग में जो फालतू बातें चलती वो भी ख़त्म हो जाती है। देखो गाइस ये तो मस्त हो गई चिल्ला खाने में, दिख पर दिखा तो कैसे बना है। गाइस आपको ये अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अभी हमें बहुत ज्यादा सामान समेटना है और यहाँ से निकलना है। से बाय आरोही। तो दोस्तों हमारा हो गया है पैकिंग, आरोही होगी है तैयार, और आप देख सकते हो हमने सारा सफाई भी कर दिया है। अगर आप भी कभी आउटडोर कैंपिंग करने या कुकिंग एक्टिविटीज़ करने आते हो तो प्लीज़ सफाई का ध्यान रखें, और प्लास्टिक वगैरह ना फेंकें। अगर कोई सब्जी वगैरह है तो आप साइड में रख सकते हो, क्योंकि वो गाय या कुछ भी जानवर खा सकते हो उसे रात को। और मेरा बैग पैक हो गया, तो चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा गाइस, तो मैं पकड़ता हूँ इसको चलो। और काफ़ी खूबसूरत जगह थी गाइस, आपको फिर से दिखाता हूँ। देखो बस निकलना है हमें जल्दी जल्दी यहाँ से, बिकॉज इधर लेपर्ड होते हैं और भालू। हम नहीं चाहते कि हमारा कुकिंग हमारा यहीं पे बन जाए लास्ट।